जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग, जिसमें 43 श्लोक हैं। अर्जुन उवाच, जया यसि चेत कर्म मनस्ते मता बुधिर जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप फिर मुझे इस युद्ध जैसे कठिन और हिंसक कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। वया में शरण वाकेन बुद्धि मोह में तदे एकम वद निश्चित येन श्रेहो मा परुयाम। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप मिश्रित वचनों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चित रूप से मुझे वह एक मार्ग बताएं जिसके द्वारा मैं अपने कल्याण को प्राप्त कर सकूं, अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान और कर्म के बारे में उपदेशों से बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण उन्हें सीधे तौर पर बताएं कि उनके लिए कौन सा मार्ग उचित है जिससे उनका उचित कल्याण हो सके। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरोपरोक्ता मयानद ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले दो प्रकार के मार्गों का वर्णन किया था, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। यहाँ ज्ञान योग का अर्थ है, यह उन लोगों के लिए है जो तत्व ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। कर्म योग यह उन लोगों के लिए जो अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव अर्थात फल की इच्छा के बिना करते हैं। दोनों ही मार्ग योगी के लिए मोक्ष का साधन है और व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार इनमें से किसी भी एक मार्ग को चुन सकता है। न कर्मण्णा मनारम्भान न कर्मय पुरुषो शनुते न च संन्यासना देव सिद्धिम समधि गच्छति। यह श्लोक कर्म और संन्यास के संबंध को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल कर्म न करने से ही मोक्ष या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म से भागना समाधान नहीं है, इसी प्रकार केवल संन्यास लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी कर्मों को सही भावना और समझ के साथ निभाए। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते कर्म करित कार्यते हयवशः कर्म्य सर्व प्रकृति जैर गुणा ही। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई भी जीव प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य ही कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, अर्थात मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। या कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं से ही नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक क्रियाएँ भी इसमें शामिल है। अतः हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही दिशा में कर्म करना चाहिए। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।